कैसा है मोदी का नया मंत्रिमंडल? सभी नए मंत्रियों के नाम और उनके फोटो के साथ में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से मिनिस्टर हैं जो जिनके पदों में उन्नति हुई है और कौन से नए मंत्री आए हुए हैं यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि मोदी के मंत्रिमंडल में ये विस्तार हुआ है ना, ये विस्तार हुआ है जिसमें नए 43 चेहरे ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका नया नियुक्ति हुई है मंत्रिमंडल में, और साथ में इन कुल 43 को लेकर के अब मोदी का जो मंत्रिमंडल है वो 77 लोगों का हो गया है। अब कैबिनेट मिनिस्टर में 77 लोग हो चुके हैं। तो ऐसे में इन सभी मंत्रियों के बारे में जानना जरूरी होता है, लेकिन उनमें से भी सभी के बारे में जानना आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो कुछ ऐसे लोगों को जानना है जो खास हैं या फिर आपके एग्जाम में उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही मिनिस्ट्री जो काफी बार पूछी जाती है उनको लेकर के मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इनमें कुल 30 मिनिस्ट्रीज को मैं लेकर के आया हूँ और उन्हीं में से आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने उन सभी चीजों को यहाँ पे कलेक्ट करके लाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी बिल्कुल, और अगर पसंद आती है तो बिल्कुल आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे देख रहे हैं। यहां आप मुझे Facebook के अलावा Twitter और Instagram पे आप मुझे फॉलो करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी लिंक और उसकी PDF भी आपको वहां से मिल जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्रीज को आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन में सेव कर सकते हो या फिर उन्हें राइट करना होगा, बट बेटर भी होगा कि आप उसकी PDF डाउनलोड कर लो और सारा का सारा लिस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि इस चैनल पे सिर्फ मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें नहीं बल्कि आपके जीके के बूस्ट करने के लिए यहां पर जीके का डोज एक हर रोज सेशन लेकर के आता हूं, जिसमें मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं उन सभी के ऊपर मैं यहाँ पे जीके क्विज क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। आप उन्हें सॉल्व करते हैं और काफी अच्छा गेन करते हैं स्कोर। फिलहाल मैंने रिसेंट में कुछ जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हुए हैं जिसमें आप 2020 का सेशन होता है और इसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आंसर और साथ में डिटेल भी मैं कराता हूँ, तो जिससे आपको काफ़ी एक अच्छा व्यू और एक अच्छा नॉलेज मिल जाता है। आपकी एग्जाम में काफ़ी अच्छे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम जहाँ पर भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में मैं बता दूँ कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मतलब अगर वैज्ञानिक उपकरण है यानी कि सूक्ष्मदर्शी है, टेलीस्कोप है ना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस लिए यूज किया जाते हैं, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर अगर एनटीपीसी जैसे एग्जाम होने वाला है 7th फेज, इसके अलावा सीएचएसएल होने वाला है, सीजीएल होने वाला है और पीईटी का एग्जाम होने वाला, तो ऐसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं और ऐसे में आप 2 से 3 नंबर अपना इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ ये शॉर्ट वीडियोज को देख करके। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इन वीडियोज से, तो बिल्कुल आप चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर इन वीडियोज को देखिए और अपना जीके बूस्ट करिए। ओके फाइनली वी विल टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो द कैबिनेट मिनिस्टर का जो सबसे हेड होता है दैट इज प्रधानमंत्री, और अपने 14वें प्रधानमंत्री है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इनके पास प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन सी मंत्रालय होती है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ये सभी के सभी कहाँ पे होते हैं, प्रधानमंत्री के पास में होता है। तो चलिए कैबिनेट मिनिस्टर में देखते हैं सबसे पहली पदवी किसकी है, दैट इज रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी। डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के राजनाथ सिंह, पहले भी थे और अभी भी हैं, इनमें कोई ज्यादा बदलाव कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो हालांकि ये पद भी महत्वपूर्ण होता है, डिफेंस मिनिस्ट्रीज काफी इंपॉर्टेंट होती है इंडिया के कैबिनेट में, है ना, तो इसे लर्न करना जरूरी होता है, इसलिए मैं इन सभी पुरानी जो थोड़ी बहुत लिस्ट है उनको भी लेकर के साथ में आया हुआ हूँ। चलिए दूसरे नंबर पे हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी गृह मंत्री पहले थे और इनके साथ में एक नई चीज जुड़ी है, सहकारिता मंत्री, है ना, ये मंत्रालय नया जुड़ा गया है, तो आप इसे याद कर लेना कि फिलहाल जो अमित शाह हैं वो गृह मंत्रालय के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय को भी चला रहे हैं। ओके अगला है नितिन जयराम गडकरी जी, जो ऑलरेडी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने काफी कुछ बदलाव किया है हमारे भारत में, जो भी सड़क परिवहन है, हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे हैं, उनमें काफी अच्छा डेवलपमेंट यहाँ का इन्होंने किया है, काफी इनोवेटिव पर्सन है ये, इनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, कभी विवादों में नहीं रहते और एक अच्छा व्यू है इनका, एक अच्छा गेस्चर है इनका, काफी अच्छी नॉलेज भी है इनके पास, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इन्होंने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है कौन, नितिन जयराम गडकरी।
अगला है निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री हैं अभी के समय में और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय भी ये संभाल रही है। चलिए अगली मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर इसके पहले क्या थे आपको पता होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बता दीजिएगा। अभी फिलहाल के टाइम पे ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनको दिया गया है और ये उसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। आपको पिक्चर से विजुअलाइज करना चाहिए, पिक्चर को आप एक बार विजुअलाइज करिए, इनके नाम को पढ़िए और फिलहाल फिर उसने पदवी को और कौन से मंत्रालय है उसको आप ध्यान में रखिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अच्छा पिक्चर देखने से फायदा क्या होगा कि ऐसे में अगर ये चेहरा कभी आपको टेलीविजन में, न्यूज़पेपर पे या किसी आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है तो तुरंत आप इनको पहचान जाएंगे और फिर आप इनके नाम से इनकी इनके शक्ल और इनके नाम से आप जब इन्हें पहचानेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आपने इनको कहीं पढ़ा था, कृषि एवं कल्याण मंत्री। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख पाएंगे। चलिए अगला है डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं ना, पहले से ही हैं फॉरेन मिनिस्टर्स तो अभी भी हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं विदेशों में जाकर के लोगों से कंट्रीज के साथ अपना जो भी नेगोशिएशंस होता है वो काफी अच्छे तरीके से डीलिंग करते हैं, तो फिलहाल ये काम अच्छा कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को संभाल रहे हैं यहाँ पर, तो इनको याद रखिएगा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति जुबिन ईरानी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है, तो ये भी ऑलरेडी पहले से ही इनके पास में था और अभी भी इन्हीं के पास में है। पीयूष गोयल, इनकी पदवी में चेंज किया गया है, ये रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे बट फिलहाल ये चेंज हो चुके हैं, अब इनको मिल गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्री इनको बना दिया गया है, तो इतनी सारी पदवियां इनके साथ जोड़ दी गई है पीयूष गोयल जी के साथ। चलिए अगला मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री। इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक है ना, तो उनको हटा करके फिलहाल बना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री। अच्छा शिक्षा मंत्रालय जो था पहले एचआरडी मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, तो उसको उसका नाम भी रिसेंटली चेंज कर दिया गया था, आपको पता होगा। फिलहाल वो शिक्षा मंत्रालय बन चुका है और उसके मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान बन चुके हैं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास में है। अगले मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री तथा खान मंत्री है ना, कोयला खनन मंत्री हैं, तो इनके फिगर से आप इनको रिमेम्बर रखिए, प्रहलाद जोशी जी को संसदीय कार्य मंत्री हैं। अगले हमारे मंत्री हैं नारायण तातू राणे है ना, नारायण तातू राणे जी हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है ना, एमएसएमई, आपने नाम सुना होगा ना, एमएसएमई है ना, तो ये होता है मीडियम स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज ऐसा करके, ठीक है। तो इनके मिनिस्ट्रीज इनको इनके पास में है फिलहाल, ठीक है, नारायण तातू राणे है ना, इनको याद रखिएगा। चलिए अगले मिनिस्टर हैं सर्वदानंद सोनेवाल, असम के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिलहाल इनको बना दिया गया है बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय इनको दे दिया गया है, ठीक है। अगले हमारे मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इनके पास है, पहले भी था और अभी भी है मुख्तार अब्बास नकवी। वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास में है, वीरेंद्र कुमार जी बिहार से बिलोंग करते हैं और इनको मिला है आरजेडी से है अधिकारिता मंत्री है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। ओके गिरिराज सिंह जी, ओके गिरिराज सिंह जी हैं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में है, आप इनको शायद पहचानते भी होंगे, बहुत बार न्यूज में आते भी हैं ये, ठीक है। अगले हमारे मिनिस्टर हैं ज्योतिराद एम सिंधिया जी, इनको पता हो कौन नहीं जानता है, शायद कांग्रेस वाले तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे है ना, आई डोंट थिंक अबाउट कांग्रेस, एक्चुअली कांग्रेस इज ऑल्सो गुड बॉडी एंड आई थिंक, मेरा मतलब यहाँ से गुड और बैड से नहीं है किसी भी बीजेपी या कांग्रेस का, बट ये अभी फिलहाल कहाँ थे, कांग्रेस में थे बट रिसेंट पिछले साल में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पार्टी चेंज कर दी और बीजेपी के साथ जुड़ गए और बीजेपी में आते ही इनको बना दिया गया मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको मिला है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी को, राजस्थान से सॉरी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। रामचंद्र प्रसाद जी को इस्पात मंत्रालय मिला हुआ है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को। अश्वनी वैष्णव जी को यहाँ पर रेल मंत्री बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट, रेलवे के बच्चे तैयार हो जाओ, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है भाई 23rd of July से, तो ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लेना है ना। अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री बन चुके हैं, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास में मिला हुआ है, तो अब एक नया नाम आपको याद रखना है अश्वनी। हालांकि सारे मिनिस्ट्री जरूरी नहीं कि रेलवे में अगर एग्जाम हो रहा है तो सिर्फ रेलवे मिनिस्टर का ही पूछा जाएगा, सारे मिनिस्ट्री का पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा,
इसके अलावा जितने भी मिनिस्ट्रीज मैंने बता रखा है वो सब भी आपको लर्न करने हैं ना। तो अश्विनी वैष्णव जी हैं रेलवे मिनिस्टर, देखते हैं क्या कुछ रेलवे में बदलाव करते हैं, क्या और सारी ट्रेनें चलेंगी और कुछ टाइम पे भी चल जाए तो अच्छी रहेगी। पशुपति कुमार पारस है ना, पशुपति कुमार पारस जी हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, मंत्रालय इनके पास में है तो ये बन गए हैं मंत्री। और इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है ना, जल शक्ति मंत्रालय गंगा नदी को शुद्ध करने के रिलेटेड इस तरह के कामों में ये काफी ज्यादा एक्टिव रहती है मंत्रालय। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो बने हुए हैं जल शक्ति मंत्रालय इनके पास में मिल गया है। किरण रिजु पहले हुआ करते थे क्या खेल मंत्रालय इनके पास हुआ करता था, लेकिन अब ये बन गए हैं कानून एवं न्याय मंत्री है ना, राज्य कानून और न्याय मंत्री कौन हुआ करते थे इसके पहले है ना, आप उनको बताइएगा। मेरे ख्याल से जयशंकर प्रसाद हुआ करते थे शायद है ना, तो जयशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे कानून और न्याय मंत्रालय मंत्री, तो अभी फिलहाल में बन गए हैं किरण रिजिजू जो इसके पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगले हमारे मिनिस्टर है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह क्या, उन्हें विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन गए हैं ये है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगले हैं हरदीप सिंह पुरी, इनको भी काफी बार आपने संसद पार्लियामेंट में अगर आपने सुना होगा तो देखा होगा, ये मंत्रालय संभाल रहे हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इनके पास में है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी। इसके अलावा मनसुख मंडाविया है ना, इनका नाम आप याद रखना, काफी नया चेहरा है और मिनिस्ट्रीज में ये जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी इनके पास में है, मनसुख मंडाविया जी याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री। अगले हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इनके पास में दिया गया है। चलिए अगले हमारे मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे जी, भारी उद्योग मंत्रालय है ना, भारी उद्योग मंत्रालय इनके पास से महेंद्र नाथ पांडे जी के पास में है। और हमारे अगले जो है पुरुषोत्तम रूपाला, जिनके पास मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, उससे रिलेटेड ये काम करेंगे अपने। और इसके अलावा जी किशन रेड्डी जी हैं, जी किशन रेड्डी जी हैं संस्कृत मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में इनको पदवी मिली हुई है। उम्मीद करता हूँ पूर्वोत्तर के विकास में आप अच्छा कार्य करेंगे और काफी अच्छा कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे आखिरी और अगले हैं अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले खेल मंत्री। अच्छा, खेल मंत्री इनके नाम के साथ जुड़ गया तो ये खेल मंत्रालय भी चला रहे हैं, तो अभी आपको याद रखना है खेल मिनिस्टर है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है तो अनुराग सिंह ठाकुर है। इसके अलावा सूचना एवं आईटी डिपार्टमेंट इनके पास में चला आया है, काफी कुछ ट्विटर के साथ आईटी वालों का, इंडिया के आईटी सेक्टर एंड इंडिया का जो आईटी डिपार्टमेंट था वो काफी ज्यादा ट्विटर के साथ यहाँ पे हुआ था, तो देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, कुछ कर पाते हैं ऐसा कुछ नया, देखते हैं कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामलों के मंत्री हैं। देखो आपको जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना उन सभी के नाम याद रखने नहीं है, क्योंकि 77 मिनिस्टर्स का नाम याद रखना उनके पदवी के साथ उनके मंत्रालय के साथ बहुत ही ज्यादा पॉसिबल मे भी नहीं है। हाँ, कुछ ब्रिलियंट हो सकते हैं लोग जिनको याद हो सकता है, बट आई थिंक नॉर्मली अगर हर किसी को बोला जाए तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं ऐसे ही कुछ मंत्रालयों के मिनिस्टर्स के मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी और उसको मैं लेकर के आया और 30 लोगों को मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अब तक ने सभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते है ना। सब्सक्राइब नहीं करने से क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो जाएगी वो आपको अपडेट उसका मिलेगा नहीं, नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, और ऐसे में आपको वो वीडियो मिल नहीं पाएगा, फिर काफी प्रॉब्लम होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा और वैसे ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा और आप उस टाइम उसे सबसे पहले देख पाएंगे, तो ऐसे में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है पहले देखने का और चीजों को जानने का। बिल्कुल अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कर दिया करो, लाइक करने से वैसा कुछ होता नहीं है ना। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, जय भारत।